हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। तो लास्ट टाइम हमने देखा था सिस्को वायरलेस एक्सेस पॉइंट मोड्स, जिसमें मैंने कवर किया था लोकल मोड, क्लाइंट मोड, फ्लेक्स कनेक्ट मोड, मॉनिटर मोड, स्निपर मोड, एसी कनेक्ट मोड, रॉक डिटेक्टर मोड, ब्रिज और मेश मोड, और लास्ट हमने देखा था फ्लेक्स प्लस ब्रिज और मेश मोड। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन, व्हाट काइंड ऑफ वी हैव वायरलेस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज योर वायरलेस एंटीना, जिसमें हम दो एंटीनास के टाइप देखेंगे, एक होगा ओमनी डायरेक्शनल, दूसरा होगा डायरेक्शनल एंटीनास, व्हाट इज योर वायरलेस फ्रिक्वेंसीज बैंड, व्हाट इज योर एनाटॉमी ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी, व्हाट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वायरलेस चैनल्स और उनके बैंड क्या क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे 2.4 GHz बैंड, 5 GHz बैंड, जिसमें हम देखेंगे 2.4 GHz विद ओवरलैपिंग चैनल, 5 GHz विद नॉन ओवरलैपिंग चैनल। हम देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है 2.4 GHz और 5 GHz में। उसके बाद हम देखेंगे वायरलेस स्टैंडर्ड विच इज डिफाइंड बाय IEEE, और लास्ट हम देखेंगे वायरलेस सिग्नल डिस्टॉर्शन। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन। इससे पहले भी हमने बहुत बार देखा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मीन्स दैट शेयरिंग ऑफ डेटा, नेटवर्किंग मीन्स दैट शेयरिंग ऑफ डेटा, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज between two or more computers through a medium. So that medium could be your wireless wired medium, or that medium could be your wireless medium. Okay. So main two types hai hamare paas mediums ki, ek hai wired aur dusra hai wired, dusra hai wireless. Agar aap wired medium ki baat karoge to wired medium mein zyadatar hum wired ko use karte the for data transmission, jisme humne dekha tha copper cable connectors ke bare mein ya fir copper cable ke bare mein। तो जनरली क्या होता था, कॉपर केबल जो है हम यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा इनटू द सिग्नल बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अगर आप कॉपर केबल यूज कर रहे हो तो डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए जनरली क्या यूज किया जाता था, इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया जाता था। ओके, अगर यही बात मैं फाइबर ऑप्टिक केबल्स की बात करूंगा तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स में डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए या फिर ट्रांसमिटिंग डेटा इनटू द सिग्नल वी यूज लाइट सिग्नल। हम क्या करते थे, लाइट सिग्नल्स को यूज करते थे। बट यही चीज मैं वायरलेस नेटवर्किंग में यूज नहीं कर सकता। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, वायरलेस नेटवर्किंग में यू डोंट हैव एनी एबिलिटी टू यूज इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर डेटा ट्रांसमिशन इनटू द एयर। मतलब डेटा ट्रांसमिट करने के लिए बाय एयर और बाय द वायरलेस मीडियम यू डोंट हैव एनी एबिलिटी टू ट्रांसमिटिंग डेटा बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको आपका जो डेटा होता है दिस इज इन टू द 0101 फॉर्मेट, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इस सिग्नल को। मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू कन्वर्ट दिस डेटा, दिस सिग्नल्स इनटू व्हाट, इनटू द फ्रीक्वेंसी, इनटू फ्रीक्वेंसी बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग एंटीना। ओके, सो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास लेट्स से वी हैव एक्सेस पॉइंट ओवर हियर, वी हैव एंटीना, और यहाँ पे लेट्स से आई हैव वन पीसी बोर्ड विच इज वायर्ड। ओके, अब इस पीसी को जो है वो PC2 को विच इज योर वायरलेस PC2, इसको कोई पैकेट जो है फॉरवर्ड करना है। तो पैकेट जो है वो किस तरीके से फॉरवर्ड किया जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक पैकेट इनिशिएट किया है, लेट्स से 1 2 3, दिस इज द पैकेट। ये पैकेट में किसको फॉरवर्ड करूंगा, एक्सेस पॉइंट। अब एक्सेस पॉइंट क्या करेगा, एक्सेस पॉइंट इस डेटा को विच इज योर 0101 डेटा which is converted into what, which is converted into frequency by using antenna, by using antenna. Okay, so generally wireless networking mein jo communication hota hai which is done by using radio frequency signal. Okay, to PC access point 1 aur PC2 ke beech mein jo communication hoga wo kaise hoga, by using radio frequency signal. Okay, तो जनरली क्या होता है वो देखते हैं। कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास एक सेंडर होना चाहिए और आपके पास एक रिसीवर होना चाहिए। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन दो तरीके से हो सकता है। सो दैट कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस आइदर यूनिडायरेक्शनल और बाय डायरेक्शनल। कम्युनिकेशन जो होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में वो कैसे होगा, एक तो यूनिडायरेक्शनल हो सकता है या फिर बाय डायरेक्शनल हो सकता है। ओके, सो नेटवर्किंग में, वायरलेस नेटवर्किंग में ये जो सेंडर्स और रिसीवर्स होते हैं,
नेटवर्किंग में ये सेंडर्स और रिसीवर जो होते हैं, यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट दैट सेंडर एंड द रिसीवर इज बिलोंग फ्रॉम सेम फ्रिक्वेंसी और सेम चैनल, सेम फ्रिक्वेंसीज और सेम चैनल। ओके नाउ जैसे कि मैंने आपको कहा था, वायरलेस नेटवर्किंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, आपके रेडियो फ्रिक्वेंसीज को यूज करते हैं फॉर द कम्युनिकेशन परस्पेक्टिव। अब देखो वायरलेस नेटवर्किंग में हमारे पास कम्युनिकेशन करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसीज है, और यू कैन कॉल द रेडियो फ्रिक्वेंसीज स्पेक्ट्रम, और दूसरा जो है वो है सैटेलाइट, दूसरा जो है वो है सैटेलाइट ऑर्बिट। ओके और ये दोनों जो है विच इज कंट्रोल्ड और विच इज मैनेज्ड बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रेडियो कम्युनिकेशन सेक्टर, विच इज कंसिडर्ड एज विच इज यू कैन कॉल ITUR इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके अगर मैं ITUR की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सो दिस ITUR हैव द एबिलिटी टू मैनेज और टू रेगुलेट द रेडियो फ्रिक्वेंसीज फॉर द वायरलेस कम्युनिकेशन। दूसरा हमारे पास और एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज नोन एज IEEE। IEEE स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, विच इज हैव द एबिलिटी टू क्रिएट अ वायरलेस स्टैंडर्ड लाइक वॉट, लाइक वी हैव 802.11। ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड इथरनेट स्टैंडर्ड्स में हमने देखे थे। और थर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है वाईफाई अलायंसेस। ये जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके वायरलेस यूजर्स को, वायरलेस यूटिलाइजेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट जैसे कि मैंने आपको कहा था एंटीनास हम कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन में या फिर कम्युनिकेशन जो है, इफ यू वांट टू एस्टेब्लिश द कम्युनिकेशन यू शुड नीड टू हैव वन सेंडर एंड वन रिसीवर। यहाँ पे एक सेंडर और एक रिसीवर होना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिकेशन देखो किस तरीके से एस्टेब्लिश हो सकता है। लेट्स से यहाँ पे मेरा कोई एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट वन, कनेक्टेड विथ योर PC1, ये वायरलेस PC1 के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे मेरा और एक एक्सेस पॉइंट है, जैसे एक्सेस पॉइंट टू, और ये PC2 के साथ, वायरलेस PC2 के साथ कनेक्टेड है। ओके अब लेट्स से PC1 को कोई पैकेट जो है वो फॉरवर्ड करना है PC2 के लिए, ऐसे दिस इज द डेटा, डेटा पैकेट। तो सबसे पहले PC1 क्या करेगा, इस पैकेट को फॉरवर्ड करेगा किसको, आपके एक्सेस पॉइंट को कंसिडर करके चलते हैं, ये दोनों भी वायर्ड PC है। ओके तो जैसे ही पैकेट हिट होगा एक्सेस पॉइंट वन के लिए वो क्या करेगा, जैसे कि मैंने आपको कहा था हमारे पास एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होगा, मतलब ये दिस इज योर ट्रांसमीटर एंड दिस इज योर रिसीवर एंड कंसिडर करके चलते हैं। तो ट्रांसमीटर एंड पे जैसे ही आपका पैकेट जो है हिट हो रहा है आपके एक्सेस पॉइंट वन पे, ये सबसे पहले क्या करेगा, दिस एक्सेस पॉइंट विच हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट दिस डेटा, दिस 0101 डेटा इनटू द सिग्नल्स बाय यूजिंग एंटीना विद एनकोडर। ओके तो ये एनकोडर के हेल्प से आपके जो एंटीना है ये क्या करेगा, आपके डेटा सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करेगा, आपके फ्रिक्वेंसीज में। ओके अब सेम सेटअप जो है वो मेरे दूसरे साइड पे भी है। ओके दूसरे साइड पे भी मेरा एक एक्सेस पॉइंट है। अब ये एक्सेस पॉइंट क्या क्या करेगा, जैसे ही ये सिग्नल, जैसे ही ये फ्रिक्वेंसी या जो डेटा है जैसे ही ये हिट होगा, ये एंटीना जो है, दिस एंटीना आल्सो हैव द एबिलिटी व्हिच इज द सेम एंटीना व्हिच आल्सो हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट दिस फ्रिक्वेंसीज इनटू द डेटा। मतलब यही एंटीना क्या करेगा, बाय यूजिंग अ डिकोडर यही एंटीना आपके फ्रिक्वेंसीज को, आपके फ्रिक्वेंसीज को किस में कन्वर्ट करेगा, आपके डेटा, व्हिच इज इजीली अंडरस्टैंड बाय दिस PC2। ओके तो यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट क्या है, आपका जो एंटीना है दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जो कि एक एनकोडर और डिकोडर की तरह यूज हो रहा है। एनकोडर मतलब क्या, ये कन्वर्ट करेगा आपके डेटा सिग्नल्स को आपके फ्रिक्वेंसीज में, और डिकोडर का मतलब ये होगा आपके फ्रिक्वेंसीज को वापस किस में कन्वर्ट कर देगा, आपके डेटा में। ओके सो एंटीना में हमारे पास दो मेन एंटीनाज है, एक है ऑमनी डायरेक्शनल एंटीना और दूसरा जो है वो है डायरेक्शनल एंटीना। अब ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीना जो है विच इज ऑल्सो नोन एज आइसोट्रोपिक एंटीना। ओके अब सबसे पहले देखते हैं ओमनी डायरेक्शनल एंटीना के बारे में। दिस
type of antenna, or you can call the isotropic antenna, which have the ability to diverge the equal radio power in all directions from the central point. इसका मतलब ये है, ये आपके frequencies को या आपके radio signals को equally क्या करता है, सभी directions में forward करता है from the central point. Okay, ये क्या करेगा, आपके signals को, आपके signal powers को equally क्या कर देगा, spread कर देगा, equally क्या कर देगा, forward कर देगा in all directions. Okay, so the signals are transmitting in every direction and receive the signals equally from the all directions. मतलब एक ही direction से हम क्या कर सकते हैं, signals को all direction में forward भी कर सकते हैं, transmit भी कर सकते हैं, और सभी direction से क्या कर सकते हैं, receive कर सकते हैं. Okay, so this is all about the omnidirectional antenna. Next जो है वो है directional antenna. अब directional antenna में क्या है, this antenna have the ability to diverge equal radio power in only one direction. ओके, मतलब कंसीडर करके चलते हैं, ये आपका एंटीना है, ये आपके रेडियो सिग्नल से या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी से, ये क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन पे क्या करेगा, पॉइंट करेगा, एक ही डायरेक्शन पे क्या कर देगा, इस रेडियो सिग्नल को या फिर रेडियो पावर को क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन पे फॉरवर्ड कर देगा या फिर डाइवर्ज कर देगा. इसका मतलब ये है, आपका जो ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास था, ये आपके फ्रिक्वेंसीज को सभी डायरेक्शन में फॉरवर्ड कर रहा, तो माइट भी पॉसिबल है कि आपकी जो फ्रिक्वेंसीज की इंटेंसिटी है या पावर जो है थोड़ी सी कम होगी, बट डायरेक्शनल एंटीना में क्या है, मैं एक ही डायरेक्शन पे पूरा का पूरा आपका जो रेडियो पावर है वो फॉरवर्ड कर रहा हूँ. इसका मतलब ये है, दिस डायरेक्शनल एंटीना हैव मोर पावरफुल देन योर ओमनीडायरेक्शनल एंटीना, बट दोनों जो है वो दोनों भी यूजफुल है, बट ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन या फिर रिक्वायरमेंट क्या है. ओके, सो डायरेक्शनल एंटीना जो है वो मेनली यूज किया जाता है आपके पॉइंट टू पॉइंट या फिर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट कॉन्फिगरेशन. ओके, नाउ जैसे कि मैंने आपको कहा था, दिस इज योर डायरेक्शनल एंटीना जो कि एक ही डायरेक्शन पे आपके रेडियो फ्रिक्वेंसीज को या फिर रेडियो पावर को क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे. ओके, सो दिस रेडियो पावर कॉन्सेप्टेड इन टू वन स्पेसिफिक डायरेक्शन विच इज कॉल्ड ईएगी एंटीना. ओके, अब देखो सबसे पहले जैसे कि हम फ्रिक्वेंसीज की बात कर रहे थे, तो आप जो फ्रिक्वेंसीज आप यूज कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी फ्रिक्वेंसी जनरेट कर सकते हो. यू डोंट हैव एनी एबिलिटी टू ट्रांसमिट एनी फ्रिक्वेंसी यू वांट टू लाइक. ओके, सो ITUR जो है विच हैव द एबिलिटी टू डिफाइन अ कपल ऑफ फ्रिक्वेंसीज दैट वी आर गोइंग टू यूज इन वायरलेस नेटवर्किंग. तो कोई भी फ्रिक्वेंसी जो है वो आपस में जनरेट नहीं कर सकते हैं, आपस में जो मैं जनरेट कर रहा हूँ वही फ्रिक्वेंसी में फॉरवर्ड नहीं कर सकता. इसका मतलब ITUR ने कुछ कपल ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो डिफाइन की गई है जिसको हम यूज कर सकते हैं आपके वायरलेस नेटवर्किंग में. जिसमें से फर्स्ट अगर आप देखोगे विच इज डिफाइंड बाय ITUR वो है आपके ISM फ्रिक्वेंसी. ओके, अब ISM स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल साइंटिफिक एंड मेडिकल. ओके, ISM बैंड भी कह सकते हैं आप इसको. सो आप क्या कर सकते हो, सो एवरीवन कैन यूज दिस फ्रिक्वेंसीज विदाउट एनी रिक्वायरमेंट और विदाउट हैविंग अ लाइसेंस. ओके, सो ISM की जो फ्रिक्वेंसीज है हम यूज कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट हैविंग एनी रिक्वायरमेंट और विदाउट हैविंग एनी लाइसेंस. ओके, सो ISM बैंड के जो फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो कुछ इस तरीके से है. अगर मैं विच इज स्टार्ट विथ 902 से लेके 928 MHZ stand for megahertz, जो कि एक हर्ट जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है विच इज यूज टू मेजर अ फ्रिक्वेंसी. सबसे छोटा यूनिट मैं कह सकता हूँ जो कि आपके फ्रिक्वेंसीज को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है. ओके, अब ये डिपेंड करता है कि यह फ्रिक्वेंसी जो है या यूनिट जो है वो साइकिल पर सेकेंड किस तरीके से यूटिलाइज की जाती है, या वन हर्ट्स का मतलब क्या है, मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा इसके बारे में. सो हम देख रहे थे ISM बैंड फ्रिक्वेंसी रेंज के बारे में, जिसमें फर्स्ट अगर आप रेंज देखोगे वो है 902 से लेके 928 मेगाहर्ट्ज. सेकेंड जो है वो है आपका 2.4 से लेके 2.4835 मेगाहर्ट्ज, और लास्ट जो है वो है 5.150 से लेके 5.825 मेगाहर्ट्ज. ओके, अब इसमें से फर्स्ट रेंज जो है विच इज वेरी कंसिडर एज अ लो लेवल फ्रिक्वेंसी रेंज विच इज नॉट मेंट फॉर द वायरलेस
और वाईफाई इक्विपमेंट्स। सेकेंड रेंज जो है 2.4 से लेके 2.4 से लेके 2.4835 जो कि यूज़ की जाती है आपकी IEEE स्टैंडर्ड, जिसमें हम देखेंगे 802.11b, 802.11g एंड 802.11n। और लास्ट रेंज जो है 5 GHz में इनको कंसिडर करूँगा, जो कि यूज़ की जाती है आपकी 802.11a एंड n में, ठीक है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। सो अगर मैं फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूँगा, स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करूँगा, तो वो स्टार्ट होती है कहाँ से? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 Hz, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 Hz टू वॉट? आई एम गोइंग टू सेट 22 zeros ऑन वन, ओके, 22 zeros लगाने पड़ेंगे एक पे। इतने रेंज है, एक स्पेसिफिक रेंज मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज, ओके। सो अगर मैं रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो उसकी रेंज होती है 3 kHz से लेके बिटवीन है अप टू 300 GHz, ओके, इन बिटवीन कहूंगा मैं, ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो है वायरलेस फ्रीक्वेंसी बैंड, जिसमें हम, मैंने आपको कहा था उसके कुछ यूनिट्स है, हर्ट जो है वो सबसे छोटा यूनिट है आपके फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए। सो हर्ट्स आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, विच इज 1 Hz, किलो हर्ट्स KHZ ऐसे लिखते हैं, विच इज 1000 Hz, मेगा हर्ट्स और गीगा हर्ट्स के बारे में याद रखते हैं, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो है एनाटॉमी ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंसिडर करके चलते हैं, दो बंदे हैं यहाँ पे और दोनों ने एक केबल जो है या फिर एक रोप जो है होल्ड करके रखी है, ओके, और ये वन और जैसे दिस इज योर पर्सन नंबर ए और पर्सन नंबर बी, वन और बी के बीच में जैसे 50 feet का डिस्टेंस है, और इन दोनों ने भी क्या किया है, एक सिंगल केबल जो है या फिर सिंगल रोप जो है वो आप हाथ में होल्ड करके रखी। अब ये जैसे ही मूवमेंट देगा या हिट करेगा इस केबल को, जैसे ही मूव करेगा आप देखोगे एक वेव जनरेट होगी। अभी डिपेंड करता है कि ये कितने जोर से या फिर कितने पावर से आपके इस रोप को या फिर आपके इस केबल को मूव कर रहा है, तो वो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इसके स्ट्रेंथ के ऊपर। तो जितने में जोर से मैं हिट करूंगा, मूव करूंगा, उतनी ही यहाँ पे वेव जनरेट होगी, और लास्ट यहाँ पे जो कोई यहाँ पे कैंडिडेट जो होल्ड करके जिसने यहाँ पे वो बैठा है, उसको वो वाइब्रेशन जो है या फिर मैं कहूँगा उसके जो वेव जो है उसको वो फील होगी, यहाँ पे दिख जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर आपकी जो डेटा है या फिर फ्रिक्वेंसी जो है, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है, वो किसी इसी वेव्स के फॉर्मेट में ट्रैवल करते हैं, ओके। अब यहाँ पे उन्होंने फॉर एग्जाम्पल दिया है, ये लाइन जो है वो आप कंसिडर करनी है एज एम्पलीट्यूड लाइन, और ये जो है दिस इज योर रेफरेंस लाइन विच इज कंसिडर एज अ टाइम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वेवलेंथ यहाँ पे जनरेट हो रही है, दिस इज योर फर्स्ट ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, रेफरेंस लाइट को हिट हुआ, दिस इज योर सी पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट रहेगा डी, देन दिस इज योर ई, जैसे ये जो है ये आपका एफ पॉइंट है, दिस इज योर जी पॉइंट, और ये जो है दिस इज योर एच पॉइंट, ओके। अब ये एम्पलीट्यूड जो है वो हाई एम्पलीट्यूड ये रिप्रेजेंट करेगा और ये रिप्रेजेंट करेगा आपका लो एम्पलीट्यूड, ओके। अब यहाँ से पॉइंट ए से आपकी वेवलेंथ जनरेट हुई है, हाई एम्पलीट्यूड को हिट की, फिर उसके बाद लो एम्पलीट्यूड को हिट की, और जैसे रेफरेंस पॉइंट पे यहाँ पे हिट होगा, विच इज योर ए रेफरेंस पॉइंट, विच इज कंसिडर एज अ वन साइकिल, मेजर्ड इन 1 Hz, 1 सेकंड में 1 Hz ये मूवमेंट दे रही है, मतलब एक साइकिल जो है वो रिप्रेजेंट होगी। और जैसे यहां से आप देख सकते हो सेकंड साइकिल जो है वो जनरेट हो रही है, तो यहाँ पे ये जो है दिस कर्व विच इज कंसिडर एज योर हाई एम्पलीट्यूड एंड दिस कर्व दिस इज कंसिडर एज अ लो एम्पलीट्यूड, ओके। पॉइंट बी और पॉइंट एफ के बीच में आप देख सकते हो दिस इज योर वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड की हाइट आप देख सकते हो, your amplitude, time variation आप देख सकते हो यहाँ पे, और point D से लेके point G तक जो कि होगा वो होगा आपका period, okay। अब यहाँ पे आप देखना, जितना signal आपका strong होगा उतना ही आपका amplitude level जो है वो high रहेगा, okay। जितना अपना signal जो है वो strong रहेगा उतना ही आपका amplitude level जो है वो क्या रहेगा, high रहेगा। अब देखो ये जो वेव्स है
ये जो वेवलेंथ यहाँ पे जनरेट हो रही है या फिर क्रिएट हो रही है, ये डिपेंड करती है। ये कैसे डिपेंड करती है, मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन देता हूँ। दैट इज डिपेंड ऑन लो फ्रिक्वेंसी रेंज एंड द हाई फ्रिक्वेंसी रेंज। अगर मैं लो फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होती है, आपकी वेवलेंथ जो यहाँ पे जनरेट हो रही है, दिस इज योर लॉन्गर वेवलेंथ। ये वेवलेंथ जो है वो क्या है, एक लॉन्गर वेवलेंथ। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे साइकिल जो है वो यहाँ पे जनरेट हो रही है। ओके, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ बड़ी होगी, जितनी ज्यादा वेवलेंथ के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, उतना डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो कम होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड लो पावर फ्रीक्वेंसी। दिस इज कॉल्ड लो पावर फ्रीक्वेंसी। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, जो वेवलेंथ जनरेट हो रही है, वो बहुत शॉर्ट है। तो यहाँ पे साइकिल का ड्यूरेशन अगर आप देखोगे या फिर साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत है, ज्यादा है। इससे क्या हो जाएगा, डेटा ट्रांसमिशन रेट जो है वो हायर है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हायर फ्रीक्वेंसी रेंज या फिर हायर पावर फ्रीक्वेंसी रेंज। क्लियर हुआ? तो लो फ्रीक्वेंसीज में क्या रहता है, यहाँ पे आपकी वेवलेंथ की साइज जो है, या फिर मैं कहूँगा लॉन्गर वेवलेंथ रहती है, जिसकी वजह से आपका साइकिल जो है यहाँ पे आप देखोगे एज कंपेरेटिवली हाई फ्रिक्वेंसी रेंज यहाँ पे कम जनरेट हो रही है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइम पीरियड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि दो लोअर फ्रिक्वेंसीज या फिर लोअर एम्पलीट्यूड पॉइंट जो है, इसके बीच में टाइम पीरियड आप देख सकते हो लो फ्रिक्वेंसी रेंज में कितना क्रिएट हो रहा है और हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में कितना क्रिएट हो रहा है। क्लियर? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यही कहा गया है कि आपकी लो फ्रिक्वेंसी रेंज जो है, विच इज फॉल अंडर द रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, टेराहर्ट्ज रेडिएशंस, और हाई फ्रिक्वेंसी रेंज अगर मैं कहूंगा वो है अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज एंड द गामा रेज। ओके, अब देखते हैं वायरलेस चैनल्स एंड द बैंड। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपकी फ्रिक्वेंसीज को, आपके रेडियो सिग्नल्स को हम हर्ट्स में, हम मेगा हर्ट्स में, गीगा हर्ट्स में, या फिर आप अपने किलो हर्ट्स में, गीगा हर्ट्स में क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मेजर करते हैं आपके फ्रिक्वेंसीज को। इसमें हमने दो फ्रिक्वेंसी रेंज के मैंने बारे में या बैंड्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने देखा था 2.4 GHz एंड 5 GHz, जो कि कॉमनली यूज किया जाता है आपके वायरलेस नेटवर्किंग। ओके, अब इसमें भी हम देखेंगे 2.4 GHz के बैंड। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसीज में यहाँ पे उन्होंने बताया है 2.400 से लेके 2.4323 GHz। इसका मतलब ये जो है, दिस इज कंसिडर एज अ रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे चैनल नंबर वन को। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर मल्टीपल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज है, दिस इज कंसिडर एज अ चैनल, अ सिंगल चैनल। ओके, अब यही आप मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज रेंज अगर आप देखोगे 2.4 GHz बैंड के, तो ये है फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ, जो कि अलग अलग चैनल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसीज जो कि डिफाइन करती है आपकी चैनल्स को, एंड द रेंज ऑफ द चैनल या फिर नंबर ऑफ द चैनल जो कि डिफाइन करते हैं आपके बैंड्स को। मतलब सो द मल्टीपल रेंज ऑफ द फ्रिक्वेंसी विच इज नोन एज चैनल, एंड द मल्टीपल नंबर ऑफ द चैनल विच इज नोन एज अ बैंड। मतलब ये सब कुछ इकट्ठा मिलके क्या हो रहा है, 2.4 GHz बैंड क्रिएट हो रहा है। उसी तरीके से आपका 5 GHz बैंड, जिसमें आप देखोगे नंबर ऑफ द फ्रिक्वेंसी रेंज, और हर एक फ्रिक्वेंसीज पे कौन से चैनल जो है वो यूज किए जा रहे हैं, ये भी यूज किया यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट 2.4 और 2.5 GHz में बहुत सारा ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डेडिकेटेड फ्रिक्वेंसी रेंज है, ये सिर्फ एक ही नंबर ऑफ चैनल को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ द चैनल्स यूज कर सकते हैं। अब ये क्या है, मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा। क्लियर हुआ? तो 5 GHz में हमारे पास नंबर ऑफ द चैनल बहुत सारे हैं, और 2.4 GHz में हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ द चैनल्स हैं। अब देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है 2.4 GHz चैनल्स। ओके, तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं 2.4 GHz चैनल यूज कर रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ द चैनल्स यहाँ पे आप देखोगे तो 14 है। 2.4 GHz में टोटल नंबर ऑफ द चैनल्स अगर आप देखोगे तो 14 है। तो चैनल नंबर वन की अगर आप रेंज देखोगे या फिर फ्रिक्वेंसी रेंज अगर आप देखोगे, तो
तो वो है 2.01 से लेकर 2.423 तक, यहां से लेके यहां तक, दिस इज योर चैनल नंबर वन। अब ये एक फ्रीक्वेंसी रेंज है इसके चैनल नंबर वन की। अब यही अगर मैं चैनल नंबर टू की बात करूंगा तो चैनल नंबर टू की रेंज यहां से लेके यहां तक है। इसका मतलब चैनल नंबर वन और चैनल नंबर टू जो है वो आपस में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। कैसे देखो, जैसे जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होता होगा सिग्नल्स उतने ही कम होंगे या फिर वीक सिग्नल, डेटा लॉस भी हो सकता है। तो कंसिडर करके चलते हैं, यह आपका एक एक्सेस पॉइंट है AP1 और यहाँ पे मेरे कुछ यूजर्स हैं, दिस इज योर PC1, वायरलेस यूजर्स है PC2 एंड द PC3। अब एक्सेस पॉइंट वन जो है वो लेसे चैनल नंबर वन पे है, तो इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी 2.401 से लेके 2.423 तक। ओके, अब ये जितने भी यूजर्स है वो एक ही फ्रीक्वेंसीज को, सेम चैनल को यूटिलाइज कर रहे हैं, सो नो प्रॉब्लम। बट अगर यहाँ पे मैं जैसे वी हैव WLC ओवर हियर व्हिच इज कनेक्टेड विद द इंटरनेट, और WLC जो है वो मल्टीपल एक्सेस पॉइंट्स को मैनेज कर रहा है, AP1 जो कि IT डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व है, AP2 जो कि HR डिपार्टमेंट के लिए रिजर्व है, और AP3 जो है जो कि जैसे सेल्स या फिर सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। तो AP1, AP2 और AP3 अगर जस्ट इन केस ये तीनों भी, ये तीनों एक्सेस पॉइंट अगर एक चैनल, सेम चैनल में हो, जैसे चैनल नंबर वन पे है, तो माइट भी पॉसिबल है, चैनल नंबर वन पे तो माइट भी पॉसिबल है इनकी जो फ्रिक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी, और अगर फ्रिक्वेंसी सेम है तो माइट भी चांसेस ये है कि ये सिग्नल जो है वो आपस में ओवरलैप हो सकता है। तो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट, अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा एक्सेस पॉइंट यूज हो रहे हैं तो मेक श्योर हर एक एक्सेस पॉइंट पे आप अलग अलग नंबर ऑफ द चैनल्स को क्या करोगे, यूज करोगे, या फिर नंबर ऑफ द फ्रिक्वेंसीज को आप यूज करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रिक्वेंसी या फिर चैनल नंबर वन और चैनल नंबर टू, चैनल नंबर थ्री, चैनल नंबर फोर, फाइव, ये आपस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। बट चैनल नंबर वन और सिक्स अगर आप देखोगे तो ये नॉन ओवरलैपिंग चैनल, ये आपस में ओवरलैप नहीं करते, या फिर चैनल नंबर 11 या फिर चैनल नंबर 14 ये आपस में कभी भी ओवरलैप नहीं करते। तो चैनल्स के बीच में अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस ज्यादा है, बाकी के चैनल जो है वो आपस में इजीली ओवरलैप करेंगे, मतलब 14 चैनल में से 10 चैनल जो है वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और 4 चैनल जो है वो नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स हैं। इसका मतलब ये है अगर आपको नेट की स्पीड कम आ रही है या फिर कंजंक्शन अगर आप फील कर रहे हो आपके नेटवर्क में, तो माइट भी पॉसिबल है कि आपका एक्सेस पॉइंट या फिर आपके रेंज में जो अगर और एक एक्सेस पॉइंट है यहाँ पे तो वो भी सेम चैनल पे होगा, तो दोनों को भी यहाँ पे इंटरफेरेंस देखने को मिल सकते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट दैट कि अगर आपका एक्सेस पॉइंट वन चैनल नंबर वन पे है तो एक्सेस पॉइंट टू जो है मैं चैनल नंबर सिक्स पे रखूंगा, ताकि इनके चैनल जो है, इनके जो सिग्नल जो है वो आपस में, या फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपस में ओवरलैप ना करें। क्लियर हुआ? बट यही देखो यहाँ पे इन्होंने यही एक्सप्लेनेशन दिया है कि 2.4 गीगाहर्ट्ज में रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज क्या है, नंबर ऑफ द चैनल जो मैंने आपको कहा था 14 चैनल्स यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं, जिसमें से 10 चैनल जो है वो एब्सोल्यूट आपस में ओवरलैप करते हैं और 4 चैनल जो है जो कि है चैनल नंबर 1, 6 एंड 11 एंड 14 जो कि नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स हैं। नेक्स्ट जो है वो है 5 गीगाहर्ट्ज नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स। अब 5 गीगाहर्ट्ज के अगर आप रेंज पे यहाँ पे फोकस करोगे तो ये रेंज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ पे बताए थे दिस वन, तो रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो। तो इसमें मल्टीपल चैनल्स यूज हो रहे हैं, चैनल नंबर 36, 40, 44, 48, जो कि आपस में ओवरलैप नहीं करते, ये चैनल जो है वो कभी भी आपस में ओवरलैप नहीं करते, दैट्स व्हाई दिस इज कंसीडर्ड एज अ नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स। तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी भी आपस में ओवरलैप नहीं करेगी। तो अगर मैं एक्सेस पॉइंट 5 गीगाहर्ट्ज का यूज कर रहा हूँ तो माइट भी पॉसिबल है कि आपको ज्यादा बैंडविड्थ या फिर बेटर फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि ये चैनल जो है कभी भी आपस में ओवरलैप नहीं करते। तो एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी ऑर्डिनरी एक्सेस पॉइंट यूज कर रहे हो,
अगर आप कोई भी एक ऑर्डिनरी एक्सेस पॉइंट यूज कर रहे हो तो माइट भी पॉसिबल है कि वो एक्सेस पॉइंट जो है वो एक ही बैंड को सपोर्ट कर सकता है। एक तो 2.4 GHz बैंड को सपोर्ट करेगा या फिर 5 GHz बैंड को सपोर्ट करेगा। ओके, इसका मतलब ये है अगर आपके पास ऐसा कोई स्मार्ट डिवाइस या फिर स्मार्ट कोई पीसी है या फिर मेरे पास कोई स्मार्ट मोबाइल है जो 5 GHz और 2.4 GHz दोनों को सपोर्ट करता है और आपका एक्सेस पॉइंट अगर सिर्फ 5 GHz की स्पीड को ही सपोर्ट कर सकता है तो माइट भी पॉसिबल है कि ये जो मोबाइल है दोनों बैंड को सपोर्ट करेगा अगर आपके पास है तो, या फिर अगर आपके पास जो मोबाइल यूज हो रहा है या फिर जो डिवाइस यूज हो रहा है वो सिर्फ 5 GHz बैंड को सपोर्ट कर रहा है और आपका एक्सेस पॉइंट जो है वो 2.4 GHz को सपोर्ट कर सकता है, तो ये आपस में कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाए। सो जो सिस्को एक्सेस पॉइंट्स रहते हैं या फिर किसी भी एक ब्रांडेड कंपनी का अगर मैं एक्सेस पॉइंट लेता हूँ तो जनरली ये दोनों बैंड्स को इजीली सपोर्ट करते हैं, 2.4 GHz और 5 GHz साइमल्टेनियसली सपोर्ट करते हैं। तो अगर स्पीड अगर कम ज्यादा भी होता है तो मैं इजीली जंप कर सकता हूँ फ्रॉम 2.4 GHz टू 5 एंड 5 टू 4 अगर आपके पास ऐसा कोई स्मार्ट डिवाइस है तो। तो 5 GHz में टोटल 23 सेपरेट चैनल्स होते हैं जो कभी भी आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, विच इज कंसिडर्ड एज अ नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा एक्सेस पॉइंट्स है और आपके पास 5 GHz अगर मैं यहाँ पे यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ तो ये किसी भी दूसरे एक्सेस पॉइंट पे इफेक्ट नहीं करता। अब देखते हैं मेजरली दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 2.4 GHz एंड 5 GHz। अब 2.4 GHz अगर आप यूज करें तो इसमें लो फ्रिक्वेंसी रेंज होगा, लॉन्गर वेवलेंथ होंगे, लो डेटा ट्रांसफर रेट रहेगा, 10 ओवरलैपिंग चैनल्स और 4 नॉन ओवरलैपिंग चैनल्स रहेंगे, जिसमें से हम 2.4 GHz की अगर आप बात करोगे तो हम IEEE 802.11b g एंड AX में यूज कर सकते हैं। ओके, और 5 GHz की अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखोगे तो एज कम्पेयर टू 2.4 GHz इट हैव हाई फ्रिक्वेंसी रेंज, शॉर्ट वेवलेंथ, हाई डेटा ट्रांसफर रेट, हाई पावर फ्रिक्वेंसी, टोटल चैनल्स यहाँ पे जो कुछ भी हम यूज कर रहे हैं 23-24 नंबर ऑफ द नॉन ओवरलैपिंग चैनल जो है वह यहाँ पे यूज हो रही है। और IEEE स्टैंडर्ड्स अगर आप देखोगे तो डिफाइन किए जाते हैं 802.11a एन AC एंड AX। वायरलेस स्टैंडर्ड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था 802.11 जो कि डिफाइन किया गया था 1997 में, यस इट सपोर्ट 2.4 GHz बट 5 GHz को सपोर्ट नहीं करता। डेटा ट्रांसफर रेट जो है या फिर बैंडविड्थ आप कह सकते हो वो है 2 Mbps। उसी तरीके से 11A और A एंड B जो है वो दोनों भी इंट्रोड्यूस किए गए थे आपके 1999 में। B जो है इट सपोर्ट 2.4 GHz, डज नॉट हैव एनी एबिलिटी टू सपोर्ट 5 GHz और इसका स्पीड आप देख सकते हो 11 Mbps का। उसी तरीके से 11G दिस इज डिफाइंड इन 2003, आप बैंडविड्थ देख सकते हो कितनी है 54 Mbps। उसी तरीके से ए है, एन, AC और AX भी थे पता है, तो ये फ्रीक्वेंसीज ज्यादातर पूछते हैं एग्जाम्स में तो इसके तो अंदर। अब आपने अब तक देखा होगा 654 Mbps या फिर 1 Gbps जो अभी लॉन्च हो रहा है जो फोर्थ जनरेशन फिफ्थ या सिक्स जनरेशन में अगर आप देखोगे तो 600 या फिर 500 Mbps या 600 Mbps के ऊपर के और Gbps जहाँ तक कंसिडर किए जा सकते हैं उन सभी स्टैंडर्ड्स को हाई थ्रूपुट कहते हैं। और गीगाहर्ट्ज़ में जो कंसिडर किए जा रहे हैं वो होंगे वेरी हाई थ्रूपुट। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे यही एक्सप्लेनेशन दिया है IEEE 802.11 दैट इज डेवलप्ड या इंट्रोड्यूस्ड इन 1997 व्हिच हैव द एबिलिटी टू अप टू 2 Mbps जो कि कहाँ पे है यूज किया जाता है 2.4 GHz में। IEEE 802.11b जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था 1999 में और इसका जो बैंडविड्थ जो है वो कितना है 11 Mbps बाय यूजिंग 2.4 GHz में। IEEE ने इसी साल में 802.11 को भी इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका बैंडविड्थ जो है वो कितना है 54 Mbps जो 5 GHz बैंड में यूज किया जाता है। 2003 में IEEE 802.11g इंट्रोड्यूस हुआ था जिसका अगर आप स्पीड देखोगे बैंडविड्थ देखोगे वो क्या है 2.4 GHz बैंड व्हिच इज आल्सो सपोर्ट सॉरी दिस इज द बैंड व्हिच इज आल्सो सपोर्ट 54 Mbps। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे 2009 में 802.11 इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका बैंडविड्थ अगर आप देखोगे 600 Mbps है जो कि दोनों पे सपोर्ट करता है 2.4 GHz एंड 5 GHz।
which is considered as high throughput. Okay, 802.11ac that is introduced in 2013. इसका अगर आप देखोगे ये Gbps इसका bandwidth जो है वो क्या है 6.93 Gbps, तो सोचो स्पीड कितना रहेगा, डाउनलोडिंग या अपलोडिंग स्पीड कितना रहेगा, which is considered as high throughput, very high throughput. और लास्ट नेक्स्ट जो है वो है 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था IEEE 802.11ax, जिसका अगर आप मैं बैंडविड्थ की बात करूंगा विच इज 4 टाइम्स फास्टर देन 802.11ac जो दोनों बैंड्स को सपोर्ट करता है, विच इज कंसीडर्ड एज वाईफाई 6. जल्दी आप देखोगे वाईफाई 6 जनरेशन. ओके, डिस्टोरेशन की अगर आप बात देखोगे तो जनरली जब आप किसी भी डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो बाय द एयर तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, बहुत सारे मैं कहूँगा ऐसे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो आपके सिग्नल्स को, जो आपके फ्रिक्वेंसीज को या फिर रेंज को कम कर सकता है, जिससे क्या हो सकता है, जिससे आपको माइट बी पॉसिबल है बैंडविड्थ जो है वो कम मिलेगी, डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो अच्छा नहीं होगा, सिग्नल्स ड्रॉप हो सकते हैं, सिग्नल वीक हो सकते हैं, डेटा लॉस भी हो सकता है. तो डिस्टोरेशन में हम देखेंगे पाथ लॉस, RF reflection, multipath propagation, RF absorption, noise, RSSI, SNR और phase. Okay, सबसे पहले देखते हैं path loss. ये path loss क्या होता है देखो, consider करके चलते हैं, ये आपका ये consider करके चलते, this is your antenna, this is your tower, जो कि आपके radio frequencies को generate करता है. Okay, ये क्या कर रहा है, आपके रेडियो फ्रिक्वेंसीज को जनरेट कर रहा है. अब इसका अगर डायमीटर की बात करूंगा तो ये लेसे डायमीटर जो है वो लेसे कंसीडर करके चलते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 1 मीटर कंसीडर करता हूं, तो 1 मीटर के एरिया में, 1 मीटर के डायमीटर में जितने भी यूजर्स रहेंगे ये इस फ्रिक्वेंसीज को या इस चैनल्स को सपोर्ट कर सकते हैं. स्ट्रेंथ भी आप देख सकते हो यहाँ पे, बट जैसे जैसे आप इस चैनल से या फिर इस टॉवर से जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे आप रियलाइज करोगे कि आपका सिग्नल जो है वो वीक हो रहा है, और एक सर्टन टाइम के बाद, एक सर्टन डिस्टेंस के बाद आप देखोगे आपको सिग्नल ही नहीं मिलेगा. तो सिग्नल क्वालिटी डिपेंड करती है कि ये आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो कितनी है. ओके, सो दिस इज जनरली द कंसेप्ट ऑफ टेली कम्युनिकेशन. द फ्री स्पेस पाथ लॉस विच इज नोन एज FSPL. ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो है RF रिफ्लेक्शन, रेडियो फ्रिक्वेंसीज रिफ्लेक्शन. अब ये रिफ्लेक्शन जो है वो कब हो सकता है ये डिपेंड करता है कि आप जैसे कोई एक सिग्नल जो है या फिर जैसे कोई एक फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है और एक स्मूथ सरफेस पे ये हिट हो गई. अब जैसे ये स्मूथ सरफेस पे जैसे हिट होगी तो माइट बी पॉसिबल है कि ये इजीली रिफ्लेक्ट हो सकती है. तो रिफ्लेक्टेड वेव्स का या फिर रिफ्लेक्टेड आपके रेडियो फ्रिक्वेंसीज का यही सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है, सिग्नल जो है, सिग्नल की क्वालिटी जो है वो यहाँ पे वीक हो सकती है. ओके, सो ये सबसे सेकंड जो है डिस्टॉर्शन पॉइंट है सिग्नल्स का. ओके, नेक्स्ट जो है वो मल्टीपाथ प्रोपगेशन, सेम कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन का है. ओके, सेम कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन का. तो प्योर लाइन ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आप देख सकते हो, जहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होता तो सिग्नल क्वालिटी देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत हाई है, गुड सिग्नल स्ट्रेंथ कहूंगा या फिर गुड सिग्नल क्वालिटी आप कह सकते हो. बट जैसे आपके पास अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन पॉइंट्स है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन भी कह सकते हो इसको, रिफ्रैक्शन, तो माइट बी पॉसिबल कि आपकी सिग्नल क्वालिटी जो है वो वीक हो जाएंगे, क्योंकि ये हर बार क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होते रहेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स. अब ये रिफ्लेक्शन जो है वो कौन से पॉइंट्स की वजह से हो सकते हैं, या एटमॉस्फेरिक क्रस्टिंग की वजह से हो सकते हैं, आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन की वजह से हो सकता है, जिससे क्या हो जाएगा, इससे एक सबसे मेन डिसएडवांटेज यही है, सिग्नल क्वालिटी वीक हो जाएगी, डेटा ट्रांसमिशन रेट कम हो जाएगा, माइट बी डेटा लॉस हो सकता है, दैट इज व्हिच इज आल्सो नोन एज मल्टीपाथ प्रोपगेशन. ओके, अब मल्टीपाथ प्रोपगेशन में रिफ्लेक्शन पॉइंट जो है वो बिल्डिंग्स भी कंसिडर किए जा सकते हैं या फिर माउंटेन्स भी कंसिडर किए जा सकते. नेक्स्ट जो है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्सॉर्प्शन. अभी अब्सॉर्प्शन कब होगा, अगर लेट्स से कंसीडर करके चलते हैं यहाँ पे आपका एक्सेस पॉइंट है और यहाँ पे आपका एक यूजर है. ओके, वायरलेस यूजर है,
अगर बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई भी जैसे पार्टीशन वॉल नहीं है, तो आपका सिग्नल क्वालिटी जो है वो इजीली होगा, वो एज इट इज ट्रेवल करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी सिग्नल क्वालिटी जो है वो वीक नहीं होगी, क्योंकि बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल्स या फिर बीच में कोई भी डिवाइडेड वॉल नहीं। जैसे ही कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है जो आपके रेडियो फ्रिक्वेंसीज को, जो आपके सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो माइट बी पॉसिबल है कि आपका जो ओरिजिनल सिग्नल फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरीके से है, वो चेंज हो सकता है आगे जाके। क्योंकि जैसे 100% अगर मैंने सिग्नल यहाँ पे जनरेट किया है, फॉरवर्ड किया है, तो अगर ये वॉल एब्जॉर्ब कर देती है 20% ऑफ सिग्नल्स को भी, तो 80% जो सिग्नल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ओरिजिनल सिग्नल मोर एम्पलीट्यूड, यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नल जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, क्वालिटी जो है या स्ट्रेंथ जो है कम हो चुकी है, विच इज योर लेस एम्पलीट्यूड, तो डेटा ट्रांसफर रेट या फिर डेटा लॉस हो सकता है। ये किस वजह से हुआ? रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्प्शन ऑब्जेक्ट्स की वजह से। ओके, तो सच काइंड ऑफ वॉल या फिर सीलिंग्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है नॉइज। अब ये नॉइज जो है वो कौन जनरेट करता है? जो कि नॉट वाईफाई ट्रैफिक है, नॉन वाईफाई ट्रैफिक, सच एज व्हाट? सच एज कॉर्डलेस फोन, माइक्रोवेव वेव्स एंड द रेडार। अब ये जो है ये सिग्नल इंटरफेरेंसेस में कहूंगा, जिसकी वजह से आपकी सिग्नल क्वालिटी जो है वो वीक हो सकती है। जो कि कंसिडर नहीं किए जाएंगे आपके वाईफाई ट्रैफिक के लिए। मतलब नॉन वाईफाई ट्रैफिक जो है, जो कि नॉइज जनरेट कर सकते हैं, ये आपके सिग्नल्स को इंटरफेयर कर सकते हैं या आपके सिग्नल को वीक कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज नॉइज। मतलब इनकी यूटिलाइजेशन के, इनके यूजेस की वजह से, इनके इंटरफेरेंस की वजह से अगर आपके सिग्नल्स के क्वालिटी में चेंजेस हो रहे हैं, सिग्नल्स में अगर चेंजेस हो रहे हैं, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ? नॉइज कह सकता हूँ। अब आपका सिग्नल और जो इंटरफेरेंस है इनके बीच में जो रेशियो है वो भी आप काउंट कर सकते हैं, या फिर वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट जो है वो है आरएसएसआई। अब आरएसएसआई यहाँ पे आपने बहुत बार देखा होगा, आपके जो मोबाइल फोन रहते हैं या फिर आपके जो लैपटॉप्स रहते हैं, यहाँ पे वो वाईफाई सिग्नल्स को इंडिकेट करता है। तो जितने भी बार्स रहेंगे आपके पास, वो सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो एक्सीलेंट दिखाएगी। जैसे जैसे ये बार्स कम कम होते जाएंगे, वैसे आप देख सकते हो सिग्नल क्वालिटी एक्सीलेंट से गुड, फेयर और वीक हो जाती है। आरएसएसआई स्टैंड फॉर रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, विच इज इंडिकेट योर पावर लेवल, जो कि आपके सिग्नल लेवल या फिर पावर लेवल को इंडिकेट करता है। ओके, नेक्स्ट जो है एसएनआर, सिग्नल टू द नॉइज रेशियो। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था सिग्नल टू द नॉइज रेशियो, तो ये जो है ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है, दिस वन, और ये जो है वो नॉइस फ्लोर कह सकते हो या फिर इंटरफेरेंसेस कह सकते हो आपके कॉर्डलेस फोन, माइक्रोवेव या फिर रेडार से। तो अगर आपका रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे? आरएसएसआई को माइनस कर दोगे नॉइस से, तो आपको क्या मिल जाएगा? सिग्नल टू द नॉइस रेशियो, एसएनआर। तो अगर मैं स्टैंडर्ड सिग्नल एसएनआर की बात करूंगा, तो वो है +25 dBm। डीबीएम स्टैंड फॉर डेसिबल पर मिलीवाट। डीबीएम स्टैंड फॉर डेसिबल पर मिलीवाट। आप डीबीएम को कंसिडर कर सकते हो, दिस इज द अमाउंट ऑफ द पावर दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीना। और आप ऐसे भी कह सकते हो, डीबीएम को डिफाइन कर सकते हो हाउ मच सिग्नल इज प्रेजेंट एट अ साइट। ओके, तो +25 dBm जो है वो स्टैंडर्ड एसएनआर के हो गए। अगर उससे कम आ जाता है तो ये मैं उसको कहूंगा पुअर परफॉर्मेंस एंड द स्पीड। फेजेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे दो आपके रेडियो फ्रिक्वेंसीज वेव जो है यहाँ पे जनरेट हुई है, दिस इज द वन एंड दिस इज द टू। अब आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी स्ट्रेंथ जो है या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका फ्रिक्वेंसी रेंज जो है वो कितना स्ट्रांग है, वो डिपेंड करता है कि जब ये फॉरवर्ड की जाएगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, सेम फ्रिक्वेंसी, सेम चैनल और सेम वेवलेंथ अगर आपके पास है, तो वो डिफाइन करती है आपकी रेडियो वेव्स की क्वालिटी। ओके, बट कंसिडर करके चलते हैं, अगर आपके यहाँ पे दो रेडियो वेव जनरेट हो रहे हैं, दोनों भी अगर आपस में अलाइन नहीं रहेंगे, तो एम्पलीट्यूड जो है वो हायर नहीं होगा, तो फ्रिक्वेंसी रेंज ऑटोमेटिकली यहाँ पे कम हो जाएगी। दिस इज नोन एज 0 डिग्री फेज। दिस इज नोन एज 0 डिग्री फेज से फेज। इसका मतलब अगर दो वेवलेंथ यहाँ पे जनरेट हो रही है और द सेम डेस्टिनेशन,
तो इनके बीच में अगर जीरो वेवलेंथ या फिर जीरो डिग्री फेज सेपरेशन होगा तो आप फील करोगे कि आपके पास एम्पलीट्यूड जो है वो हायर एम्पलीट्यूड है, तो रिसीविंग सिग्नल जो होगा इट्स मच ग्रेटर सिग्नल, इट इज मच मच ग्रेटर सिग्नल स्ट्रेंथ। ओके, बट यही चीज अगर आप देखोगे इन दो फ्रीक्वेंसी रेंज, ये जो दो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है इनके बीच में अगर 180 डिग्री सेपरेशन पॉइंट अगर जनरेट हो रहा है या फिर इनके बीच में 180 डिग्री का अगर एंगल जनरेट हो रहा है तो ये कंसिडर किया जाएगा आउट ऑफ द फेज। तो ये अगर आपस में अलाइन नहीं है, आपस में ये दोनों वेवलेंथ अगर आपस में अलाइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप कितना है, तो ये सिग्नल क्वालिटी जो है वो वीक होगी, या फिर रिसीव्ड सिग्नल जो स्ट्रेंथ में कहूंगा दिस इज कंसिडर्ड एब्सोल्यूट जीरो और नल। ओके, तो ये सारे थे आपके डिस्टॉर्शन पॉइंट्स। आई होप गाइज आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।